हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए जो है हम छत्तीसगढ़ के जो है मॉडल पेपर यहां पे कवर करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो सामान्य अध्ययन के सिलेबस कंप्लीट करा दिए हूं मैंने और जो यहां पे मॉडल पेपर जो है स्टार्ट कर दिए हूं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, चाहे आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी भर्ती हो, पटवारी हो, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, मतलब एनी हाउ एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। कंपलसरी एक एग्ज़ाम को यहाँ पे, यह स्पेशल नहीं है, सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। यहाँ से जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आप बेटर होते जाएंगे, इसलिए बार बार मॉक टेस्ट लगाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जहाँ पे वीक लगता है उसको जाके बढ़िया रिवाइज कीजिएगा, फिर एकदम से मॉक टेस्ट लगाइए, फिर आप जो स्कोर है उसमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। छत्तीसगढ़ राज्य में जो वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है, रायपुर में, कांकेर में, गरियाबंद में या आपके सूरजपुर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वन अनुसंधान और प्रशिक्षण जो संस्थान है जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थापित किया गया है, तो इसको याद रखिए, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रीय वन अनुसंधान जो संस्थान केंद्र किन किन जिलों में अवस्थित है, उपयुक्त में से सही उत्तर का यहाँ पे चुनाव करना है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कबीरधाम, जगदलपुर, गरियाबंद, कोरबा या रायपुर, दुर्गा और बस्तर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर, इन तीनों जगहों में यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र यहाँ पे जो है अवस्थित है, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर, ये तीनों जगह यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा वन रक्षक विद्यालय किन किन जिलों में बनाया गया है, उपयुक्त में से सही क्रम का यहाँ पे चुनाव करना है। तो अगर देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में तो वन रक्षक विद्यालय स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए थे इसमें कहाँ पे जो है जिलों में यहाँ पे सही का यहाँ पे चुनाव करना है क्रम का, तो वन रक्षक विद्यालय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा महासमुंद, कवर्धा, अंबिकापुर में, शक्ति भानु प्रतापपुर, गरियाबंद में, धमतरी, कवर्धा, महासमुंद में या मुंगेली, अंबिकापुर, बस्तर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महासमुंद, कवर्धा, अंबिकापुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जहाँ पे वन रक्षक जो विद्यालय यहाँ पे किन किन जिलों में बनाया गया है, तो आपके महासमुंद, कवर्धा, अंबिकापुर और तो टोटल देखेंगे तो पांच जगहों में यहाँ पे बनाया गया है, तो आपका तीनों वो हो गया और दो, तो दो आपका जो है कांकेर हो गया और दूसरा आपका भानु प्रतापपुर, ये तीनों और दो मतलब पांच जो है यहाँ पे जो है वन रक्षक विद्यालय जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यावरण संरक्षण जो मंडल का जो मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया है, कोरबा में, अंबिकापुर में, रायपुर में या आपके नारायणपुर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पे जो है पर्यावरण जो संरक्षण मंडल का जो हेडक्वार्टर जो यहाँ पे रायपुर में स्थापित, क्यों इसको बनाया गया, जो संस्था को एक खास करके यहाँ पे जो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण के उनको संरक्षण बचाव के लिए जो इसे स्थापित किया है, आपका जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जितने जो भी संरक्षण जो मंडल है ये जो है इनका रख रखाव देख रेख की आपका दायित्व निभाती है, जिसका हेडक्वार्टर रायपुर में आपका इस्टेब्लिश किया। अगला और इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन है पांचवा, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया था। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन और कंटेंट तैयार किए हैं सभी आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट का जो दर्जा कब दिया गया था, 2 फरवरी 2001 को, 3 जुलाई 2000 को या 4 जुलाई 2001 को या 5 जून 2000 को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 2001, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट का जो दर्जा 4 जुलाई 2001 को यहाँ पे घोषणा किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, जो हर्बल स्टेट का ये दर्जा इसको लाने का उद्देश्य क्या है, खास करके हमारे छत्तीसगढ़ में जैव विविधता जितने भी वन औषधियों से भरा हुआ है, इसका जो भंडारण को एक तरह का सुरक्षित संरक्षित करने के लिए उद्देश्य से इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है।
इसके तहत यहाँ पे जो है नव वन मंडल भी इस्टेब्लिश किया गया है। इस स्थापना के साथ ही साथ हर्बल गार्डन भी स्थापना की गई है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पादप बोर्ड का भी यहाँ पे गठन किया गया है 2004 में। तो इसको ये आपको याद रखना है। तो खास करके इन्वायरमेंट वगैरह को यहाँ बचाने के लिए जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वनपाल एवं वन विद्यालय संस्था किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में, रायपुर में, जगदलपुर में या आपके? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे जगदलपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जगदलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वनपाल जो विद्यालय जो संस्था यहाँ पे जगदलपुर में जो है इस जिले में आपका इस्टेब्लिश किया गया है। वन औषधि वगैरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी जो इमली वगैरह ये आपके बस्तर में पाई जाती है, और साथ ही साथ में तेंदुपत्ता जो प्रमुख उत्पादक अगर देखेंगे तो सरगुजा और आपका जो बस्तर ज़िला है सबसे ज़्यादा यहाँ पे तेंदुपत्ता के उत्पादक ज़िले हैं। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ की स्थान है आपका देखेंगे तो आपका दूसरा स्थान है। झारखंड के इसमें पहला स्थान है, तो इसको आपको याद रखने हैं। निःशुल्क चरण पादुका वितरण जो योजना है आपके वन यहाँ पे तेंदुपत्ता से संबंधित है, जिसको 2006 मई को इसको लाया गया था। 2006 में डेट को याद रखिएगा। कांग्रेस सरकार इसको बंद कर दी थी, लेकिन जो है भाजपा जो सरकार इसको फिर से इसको ला रही है। तो सन 2006 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तब से यहाँ पे तेंदुपत्ता को यहाँ पे इसके तहत यहाँ पे चप्पल दिया जाता था इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 4 जुलाई 2001 को, 30 अप्रैल 2000 को, 30 मई 2000 को या 25 जुलाई 2000? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज जो संघ की जो स्थापना 30 अप्रैल 2000 को जो है इसके इस्टेब्लिश किया गया था लघु वनोपज जो संघ है। तो इसका जो खास करके किस उद्देश्य से जो है स्थापना किया गया, तो लघु वनोपज के विपणन जो संकलन अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संघ की स्थापना किया गया है। तो खास करके मध्य प्रदेश जो लघु जो वनोपज संघ के विभाजन करके जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना किन जिलों में किया गया था? दुर्ग और बस्तर, रायपुर और जगदलपुर, बेमेतरा और धमतरी या धमतरी और आपके बस्तर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धमतरी और बस्तर में। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में हर्बल गार्डन इंटरप्रिटेशन सेंटर की जो स्थापना किन जिलों में किया गया था, तो ये आपका धमतरी और बस्तर में यहाँ पे जो हर्बल गार्डन के जो है इस्टेब्लिश किया गया है। और मतलब जो स्टार्टिंग में मैं बता दूँ, छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट खासकर जैव विविधता जो जितने भी वन औषधि से हमारा छत्तीसगढ़ भर है इनको संरक्षण को सुरक्षित करने के लिए जो यहाँ पे हर्बल गार्डन के जो है स्थापना यहाँ पे किया गया है। तो ये आपका किन किन जिलों में किया गया है? धमतरी और बस्तर में जो है इन जिलों में इस्टेब्लिश किया गया था 4 जुलाई 2001 को। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में काजू एवं कोसा अनुसंधान केंद्र किस शहर में अवस्थित है? जगदलपुर में, बेमेतरा में, दुर्ग में या आपका डी है बीजापुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में काजू कोसा अनुसंधान जो केंद्र कौन से शहर में अवस्थित है, तो ये आपके जगदलपुर में जो है काजू कोसा अनुसंधान केंद्र यहाँ पे बनाई गई है। जगदलपुर जो है आपके बस्तर में, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे शहद याद रखिएगा, शहद प्रसंस्करण जो केंद्र कहाँ पे बनाया गया है, तो बिलासपुर, कवर्धा और भानु प्रताप में यहाँ पे बनाया गया है। बांस इम्पोरियन भी बनाया गया है रायपुर में 2010 में जो, और वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी आपका जगदलपुर में स्थित है, जो कि आपका वनपाल जो भर्ती होती है यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग जगदलपुर में है यहाँ पे दी जाती है। तो आपको और वन विद्यालय बताया था अंबिकापुर, कवर्धा और भानु प्रताप में वन विद्यालय भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपका बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर इन तीनों जगह पे यहाँ पे जो है वन यहाँ पे अनुसंधान केंद्र है। तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में शहद प्रसंस्करण केंद्र किन किन शहरों में स्थित है, उपयुक्त में से सही उत्तर का चुनाव करिए। कवर्धा, भानुप्रताप, बिलासपुर, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर, कवर्धा, सुकमा या सरगुजा, बिलासपुर और आपके जगदल। तो इसको तो अभी आप लोग को बताया हूँ, कवर्धा, भानुप्रतापपुर और बिलासपुर ये तीनों जगह यहाँ पे शहद प्रसंस्करण केंद्र यहाँ पे इन शहरों में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। कवर्धा, भानुप्रतापपुर और बिलासपुर में जो इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसको आपको याद रहे। इमली मंडी कहाँ है, तो आपका जगदलपुर बस्तर में है, तो इसको याद रहे। कोसा और जो काजू अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ है, तो जगदलपुर बस्तर में स्थित है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में जब युद्ध बोर्ड का जो गठन कब किया गया था, तो 2006 में जो इसका गठन किया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थित किस शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर, सेंट पॉल स्कूल या रायपुर राजकुमार कॉलेज रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में स्थित शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये छत्तीसगढ़ के जो कॉलेज रायपुर, यहाँ के विद्यार्थियों ने यहाँ पे सक्रिय रूप से यहाँ पे भाग लिया था, तो इसको याद रखें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के पहले शहीद निम्नलिखित कौन कहलाते हैं। धीर सिंह डोगरा, वी नारायण सिंह, हनुमंत सिंह या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी नारायण सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पहले शहीद जो है वी नारायण सिंह को कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पे जो है सोनाकान विद्रोह हुआ था 1856 में। कौन कब, ये 1856 में हुआ था। सोनाखान जो बलौदा बाजार के आपके ज़मींदार थे, वी नारायण सिंह यहाँ पे बिंजवार जनजाति के थे, सोनाखान के ज़मींदार थे। अकाल पड़ने के कारण यहाँ पे लोगों के यहाँ पे जो माखन लाल थे, व्यापारी थे कसडोल के, ये गोदाम को लूट के यहाँ पे जनता में बांट दिया गया था। तब से यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे घटना हुई और जो इनको वी नारायण सिंह को जो यहाँ पे चार्ल्स एलियट के द्वारा फांसी दे दी गई थी। तब से हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के इनको प्रथम शहीद माने जाते हैं। पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे इसको पढ़ाया हुआ है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ के किस प्रथम प्रवास के दौरान जन सामान्य की किस समस्या के समाधान को सुलझाया गया था। भूमि कर विवाद को, नहर कर विवाद को, उद्योग कर विवाद को या शिक्षा कर विभाग को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें तो महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ के जो प्रथम प्रवास के दौरान यहाँ पे जन सामान्य की जो कौन सी समस्या को, जो नहर का जो विवाद चल रही थी यहाँ पे पानी को लेकर, इस समस्या के समाधान को सुलझाया गया था इनके द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस जमींदार से छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वी नारायण सिंह से संबंधित है। सारंगढ़ जमींदारी से, पेंड्रा जमींदारी से, सोनाखान जमींदारी से या बिलाईगढ़ जमींदारी से। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सोना खान जमींदारी से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम जो शहीद वी नारायण सिंह से आपका सोना खान के जमींदारी से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। सोना खान विद्रोह कब हुआ था, 1856 में आपका विद्रोह हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और इनको 10 दिसंबर 1857 को वी नारायण सिंह को रायपुर के जय चौक में यहाँ पे चार्ल्स एलियट के द्वारा यहाँ पे फांसी भी दी गई है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ है। राजनांदगांव में, कवर्धा में, रायगढ़ में या आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो राजनांदगांव जिला यहाँ पे जो है 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ है। याद रखिए कौन कौन से सन हुआ था। तो पहला हुआ था आपके 1920 में, इसका नेतृत्व करता प्यारे लाल है। अधिक कार्य और कम वेतन दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है ये आपका मजदूर हड़ताल किया गया था। इसके बाद 1924 में फिर हुआ, जिसके नेतृत्व करता कौन है, तो ठाकुर प्यारे लाल है। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। ठाकुर प्यारे लाल इसके नेतृत्व करता है, श्रमिक जो काम करने वाले श्रमिकों पर यहाँ पे
दमनकारी नीति के कारण हुआ था। और आपका थर्ड है आपका कौन से सन में था, 1937 में, 1937 में हुआ था ये आपका तीसरा आंदोलन। ठाकुर प्यारेलाल इसके नेतृत्व करता है, तीनों नेतृत्व करते हैं ठाकुर प्यारेलाल। मजदूरों के वेतन में यहाँ पे कटौती किया जाता था, इसीलिए यहाँ पे जो है तीन बार जो है राजनांदगांव में यहाँ पे जो है श्रमिक आंदोलन हुआ था। तो इसको याद रखें, छत्तीसगढ़ का प्रथम और सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल ये आपका 1920 में बंगाल जो नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल राजनांदगांव में हुआ था, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।